क्योंकि यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा जो है ना कंट्राडिक्शन था यहाँ पर स्टेटमेंटों में, क्योंकि पहले नहीं है, ये मैं क्लियर करती हूँ, कुछ भी हमारा रिलैक्स नहीं हुआ है। लोगों से बस यही गुजारिश है कि घर में बैठ के सेलिब्रेट करें। मैम आइंदा जो अभी दिन आने वाले हैं, ईद भी है, तो उस पर क्या आप एडवाइसरी अभी बताएंगी? आप एडवाइसरी तो वही है मैं जो हमेशा कहती हूँ, घर में रखें, कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर हम श्रीनगर चाहते हैं कि नॉर्मल हो जाए कुछ दिनों में, तो इसके लिए यही है कि वो घर पर बैठे कुछ दिन, तो घर पर बैठे। अभी जो लीनियंसी दिख रही है, अभी लीनियंसी नहीं है, ये बस ट्रैफिक लोग घर पे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इसीलिए हम लोग भी रोड पे ज़्यादा हैं। लीनियंसी कुछ भी नहीं है, हम एम्प्लॉयज़ को छोड़ रहे हैं, डॉक्टर्स को छोड़ रहे हैं, पेशेंट्स को छोड़ रहे हैं, बस बाकी जितने भी लोग निकल रहे हैं हमारी उनसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ घर में बैठे। मैम एज कम्पेयर टू द अदर डेज अभी जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो प्ले बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसा तो लोग ही बताएंगे क्यों निकल रहे हैं, अब कोरोना तो रिलैक्स हुआ नहीं है। पहले तो मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को दिल की अमी गहराइयों से ईद मुबारक, लोगों से इस्तेदा करते हैं कि वो ईद सादगी से मनाएं, ज़्यादा जो है अपने आस पास के जो भी हमारे तबके गरीब तबके हैं उनको ख़ास ख्याल रखा जाए इस मौके पे, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन से काफ़ी यहाँ पे जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के वो काफ़ी पीछे चले गए, हालांकि मुल्क भर में ऐसा ही हाल है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे ओसुदा हाल यहाँ पे लोग हैं, तो उनसे अपील करेंगे आपकी वसादत से कि उनका ख़ास ख्याल रखा जाए इस ईद के मौके पे। जी देखिए, आपने देखा होगा कि जब से ये लॉकडाउन हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, तो तब उस दिन जिस दिन लॉकडाउन का ऐलान किया गया उस दिन 1300 केसेस 1200 कुछ केसेस आए थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह केसेस घटने लगे हैं, ये चेन टूटने लगी है। तो गवर्नमेंट से भी यही इस्तेदा करेंगे कि लॉकडाउन को फ़िलहाल कंटिन्यू किया जाए ताकि ये चेन टूटे, और लोगों से भी इस्तेदा करते हैं कि वो SOPs का ख़ास ख्याल रखें, कहीं गैदरिंगों में न जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें।